बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, पंजाब फेडरल आखन केपी के बोर्ड और चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, ये क्लास 9-10 है क्राची सिंध बोर्ड, इसके 5 पेपर्स के सम करेंगे हम। अच्छा, अब मोमेंट क्या होता है? मोमेंट जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट। अब मिसाल के तौर पे हमारे घर का दरवाज़ा है, उसमें लॉक लगा है, तो उसको आप खोलते हैं तो क्या करते हैं आप? देखिए, एक तो साइड में तो हिंच लगी होती है, यानी कब्जे लगे होते हैं वो आपके, तो आप हैंडल पकड़ते हैं और एक जो आपके कब्जे लगे हुए हैं उससे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो खुल जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप 90 डिग्री पे नहीं करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या वो कोई नट है उसको हमने खोलना होता है तो उसको भी हम लेके उसको खोलते हैं, वो भी आपका टर्निंग इफेक्ट है, यानी मोमेंट आता है वहाँ। अच्छा, मोमेंट है क्या? मोमेंट जो है आपका, मोमेंट की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये मोमेंट होता है क्यों है? मोमेंट वो है आपका असल में कि हमारे पास ये अनलाइक फोर्सेस होती हैं जो मोमेंट क्रिएट करती हैं। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं हम आपका बुक से। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आ गया आपका लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। लाइक पैरल फोर्सेज आर द फोर्सेज डेट आर पैरल टू ईच अदर हैव सेम डायरेक्शन, यानी कि ये हमारे पास एक फोर्स ये है 10 न्यूटन की और एक फोर्स ये भी हमारे पास है 20 न्यूटन की। अब दोनों देखें, दोनों की डायरेक्शन भी एक है और इसका मैग्नीट्यूड भी एक है, तो ये कहलाती हैं और पैरेलल होना जरूरी, पैरेलल भी लाइक फोर्सेस, ठीक है। अब ये चीज़ देखें आप, अगर हम एक हमारे पास पेन है, इसको हम एक यहाँ से फोर्स लगा दें, एक यहाँ से फोर्स लगा दें, तो क्या होगा? पेन आपका उठ जाएगा, या आप डाउनवर्ड फोर्स लगा दें तो ये पेन आपका नीचे डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, मोशन है, मोशन प्रोड्यूस होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड जिससे हम फोर्सेज लगाएं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ ले लें, एक फोर्स हमने ये 20 न्यूटन की लगाई और एक फोर्स हमने यहाँ 20 न्यूटन की लगाई। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या है, अब ये आपके जो है फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये आपकी अनलाइक फोर्सेस कहलाती है, ठीक है। और ये अनलाइक फोर्सेस जो हैं ये आपका पैरल और सेम मैग्नीट्यूड होती है, एक कहलाती है आपकी कपल, और यही आपको मोमेंट क्रिएट करती हैं। अब जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दिए कि अब यहाँ तमाम फोर्सेस जो भी हैं आपके सब लाइक हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। अब यहाँ देखें, अभी आपका एपिल है, वेट इसका ही आया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जा रही है, ये आपकी अनलाइक फोर्स हो गई। यहाँ जैसे देखें आप, ये हमारे पास दो फोर्सेज हैं अनलाइक हैं। अनलाइक पैरल फोर्सेज आर द फोर्सेज डेट आर पैरल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, अब देखें रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स इज सिंगल फोर्स डेट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ
द आल फोर्सेज टू बी एडेड। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता चाहिए रिजल्टेंट फोर्स क्या है। लेकिन आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की, एक फोर्स है यहाँ 5 न्यूटन की, एक फोर्स है यहाँ 2 न्यूटन की। तो हमारे टोटल कितने आ गए, हमारे पास आ गए 17 न्यूटन। तो अगर हम यहाँ पे 17 न्यूटन की एक फोर्स लगा दें तो उसका वही इफेक्ट होगा जो इन तीन फोर्सेज का है। तो ये 17 न्यूटन क्या कहलाएगी, ये हमें कहलाएगी रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट या नेट फोर्स हो गई हमारी, रिजल्टेंट फोर्स। और ये वहाँ पर क्या हो गया, एडिशन हो गया, ये एडिशन ऑफ फोर्सेज हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी। अगर हमारे पास ये 10 न्यूटन हो और यहाँ पे हमारे पास ये 7 न्यूटन है और यहाँ पे हमारे पास ये 2 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन हो गई, इस डायरेक्शन में आपका 9 न्यूटन आ गई, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन ये हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई, रिजल्टेंट आ गई। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर अब इस तरह से एक फोर्स आपको ये दे दी और एक फोर्स आपको ये दे दी, फोर्स ऑफ ए है, ये फोर्स ऑफ बी है। अच्छा, अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए देखें, जैसे पता है आपको ये फोर्सेज जो हैं ये वेक्टर्स हैं हमारी, क्योंकि इनमें डायरेक्शन है। तो नंबर एक चीज़ क्या है, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, मतलब पैरेलल वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो हम इसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, यहाँ हम इसको बी आ जाएगा और ये आपका यानी पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसको कहते हैं हम हेड टू टेल रूल। अच्छा, अब देखिए ये एक वेक्टर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेल, और ये हमारा एंड पॉइंट है, इसे कहते हैं हम हेड, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, वो चाहे आप यहाँ लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें डायरेक्शन तो पता होना चाहिए। अच्छा, हेड एंड टेल रूल क्या है, इससे हम मतलब के टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स वी ज्वाइन द टेल of first two head of last one। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फोर्स ये है, इन्हें हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमने ये पैरेललोग्राम बनाया, बी को यहाँ शिफ्ट किया। अच्छा, आप देखें ये आपका क्या, ये आपका फर्स्ट है और इसकी टेल, यानी इसकी ये टेल आ गई, ये आपका यहाँ दो ही, तो ये आपका ये लास्ट आ गया, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ए प्लस ए वेक्टर्स एडिशन है, ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर ऐसे होता कि एक फोर्स आपकी जो है ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स आपकी ये आ रही है, अब देखें ये जो हमारे पास F1 आ गई, ये हमारे पास F2 आ गई, ये F3 आ गई, ये F4 आ गई, तब देखें यह फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जितने भी फोर्सेज होंगे। तो अच्छा, हम इसको निकालेंगे कैसे, हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये F1 है,
ये आपके पास एफ टू है, ये एफ थ्री है, ये एफ फोर है, ये एफ फाइव है। अच्छा, आप इस तरह से निकालेंगे कि आप दो दो लेंगे, या आपने ये दो ली, इसका रिजल्ट निकाल लिया कि आप इसको इससे कंबाइन करेंगे, तो एक एक को कंबाइन करके हम उसको निकाल सकते हैं। या जैसे इसको हमने यहाँ कंबाइन कर दिया, तो ये आपके ये फोर्स आ गई, इसको कंबाइन कर दिया, दूसरी फोर्स आ गई, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब जैसे हमने देखें, इसको कंबाइन किया तो ये आपका इन दोनों का रिजल्ट आ गया, इसको कंबाइन किया इन दोनों का रिजल्ट आ गया, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से फिर हमने इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले आगे बढ़ते हैं। तो आपको एडिशन ऑफ वेक्टर बता दिया मैंने, अच्छा अब रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ आपको एक रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है, या चलें हम यहाँ ऐसा करते हैं कि अब हम इसको 90 पे ले लेते हैं। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, ये रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गई, इसको हमने कह दिया रिजल्टेंट फोर्स, आर कह दिया, ठीक है। तो आर क्या है हमारे पास, ये वेक्टर ए और ये प्लस वेक्टर बी। अच्छा, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब क्या है, अब है रेजुलेशन, ठीक है। अच्छा, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या हमने इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। इसको हम रेजुलेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, अब ये देखें, यानी कि अब हमें आपको गिवन क्या है, अब हमें फर्दर में अब गिवन है, हमें आर गिवन है, ये आपको आर गिवन है। यहाँ देखें, आपके पास दो कंपोनेंट थे, उसका हमने रिजल्टेंट आर निकाला, अब आपको आर दे दिया है, इसके हमने दो कंपोनेंट निकालने हैं। अच्छा, ये दो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अब देखें यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये एंगल हमें पता है थीटा। अब जो आपका ये है, ये आपका कहलाएगा y डायरेक्शन में एफ वाई कम्पोनेंट, यानी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ y, और ये हो गया आपका एफ एक्स कम्पोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ x। ये हमारा x एक्सिस आ गई और ये हमारी y एक्सिस आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें अब हमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पाइथागोरस आप पढ़ चुके हैं, ये 90 है। अच्छा, इसमें क्या होता है, 90 के सामने पता है आपको हाइपोटेन्यूस होता है, और ये हमने अब यहाँ एंगल ले लेते हैं, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बचता है ये आपका बेस हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा फार्मूले हैं, अब मैं साथ तौर पर साइन थीटा क्या है, हमारे पास साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, वो है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कॉस थीटा है। अच्छा, एक और फार्मूला होता है टेन थीटा, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालें, ये 90 है हमारे पास, जब 90 है तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया, ये एंगल है तो इस सामने ये आ गया परपेंडिकुलर। अच्छा, इन 90 के सामने क्या होता है, आपको पता है हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ये साइड जो बच गई हमारे पास क्या हो गई, ये बेस हो गई। अच्छा, अब कोई सा हम ले सकते हैं, हमें सारे हम ये ले रहे हैं कि बी और एच, तो अच्छा बी और एच में क्या रिलेशन है, ये आपका कॉस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अच्छा, बी क्या है आपका, बी आपका एफ एक्स है, और एच क्या है, एच आपका ये चाहिए इसको एफ ले लेते हैं, तो ये आपका अपॉन एफ आ गया। अच्छा, इसको जब वहाँ ले जाएं तो क्या हो गया, ये हो गया एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा यहाँ देखें, अब हमें
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन है, देखें यहाँ कि ये निकालना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन हमारे पास क्या है, वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका एफ वाई और हाइपोटेन्यूस एफ, तो ये हमारे पास आ गया एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ये हमारा अच्छा एफ वाई क्या है, एफ वाई है आपका वर्टिकल कंपोनेंट और एफ एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सही है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब ये आपको देखिए ये एग्जांपल है, क्या दिया है आपको, अब ये आपको ट्रॉली पुल कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे, और अब ये देखें ये आपकी कोई ट्रॉली है, चले बना देते हैं छोटी सी ट्रॉली बना दी, ये आपका हैंडल है। अच्छा आप जब इसको यहाँ फोर्स सप्लाई कर रहे हैं तो ये एंगल आपका 30 बन रहा है और फोर्स ये आपको दे दी 200 न्यूटन। ठीक है, अच्छा आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, ये वाला यानी हमने एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो हमें एफ एफ गिवन है हमें 200 न्यूटन और थीटा आप पता है 30 डिग्री, और हमें दोनों निकालना है, और तो एफ एक्स भी निकालना है हमें और एफ वाई भी निकालना है। अच्छा आपका ये एंगल आपको गिवन होगा, यही वरना याद कर लें कोई मसला नहीं। अच्छा हमारे पास क्या आ गया, तो एफ एक्स क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा, तो एफ हमारे पास है 200 cos θ, यानी ये कर लें इसको हम cos 30 किसके बराबर होता है 0.5 होता है, तो ये हमारे पास नहीं सॉरी cos 30 होता है आपका 0.866, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 132.2 न्यूटन आ गया। अच्छा इसी तरह एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, तो ये आ गया 200 × sin 30, तो 200 और साइन 30.5 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अच्छा चलिए एक चीज़ आपको बहुत आसान से बता देता हूँ याद करने के लिए, कि याद रखें आप cos 60 जो होता है वो इज इक्वल टू हाफ होता है। ठीक है, और अच्छा दो वैल्यू हैं आप यूँ समझें आप कि दो वैल्यूज़ हैं, एक क्या है, एक हमारे पास 1/2, एक वैल्यू √3/2, ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब आप याद रखें cos 60 जो है वो हमारे पास 1/2 है। अच्छा जब देखें cos 60 1/2 है तो आपका sin 60 तो नहीं हो सकता। ठीक है, जब sin 60 नहीं हो सकता क्या होगा, sin 30 होगा। ठीक है, अच्छा अब आपकी दूसरी वैल्यू आ गई √3/2। अच्छा देखें cos 60 जब 1/2 है तो cos 60 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये होगा cos 30 होगा। अच्छा ये 30 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका sin 60 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 30 देखिए यहाँ आपका ये वैल्यू आपको आ गई। अच्छा अब हमें सारे उसका हमें निकालना है tan θ क्या होता है, sin θ/cos θ, तो हम यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें 30 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम निकाल देंगे sin 30 की वैल्यू पुट कर देंगे और cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ देखें, अब ये भी आपका बिल्कुल सिंपल है, कभी यहाँ आपको ये एफ एक्स दे दिया, अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो आपने ये दोनों पता है। अच्छा अब यहाँ पाइथागोरस लगा दें,
पाइथागोरस क्या हो जाएगी कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, तो एफ क्या आ जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई, तब ये हमारे पास एंगल अगर 90 का बन रहा है तो ठीक है। अच्छा वाकई अगर टॉर्क, टॉर्क क्या गया आपको बताया था कि मोमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ लेके इसको हमें ओपन करना है, तो हम देखें परपेंडिकुलर फोर्स हम लगा रहे हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे ना इस लगा रहे हैं ठीक है, यहाँ से आपको खुलेगी नहीं, यहाँ से भी नहीं खुलेगा, तो आपका जब और यहाँ लगाएंगे ठीक खुल तो सकता है लेकिन आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, तो परपेंडिकुलर आपको मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी ठीक है। अच्छा अब यहाँ जैसे आपको दिया है कि यहाँ दो फोर्सेज हैं ये, तो आप यहाँ पे देखें हम किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, अब जैसे यहाँ का मोमेंट लेंगे इस जगह तो क्या होगा ये फोर्स आ गई हमारी, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ मतलब आपका ये है ये समझे आप, अब ये हमारे पास ये फोर्स है। अच्छा इससे ये जो चीज़ है ये आपका मोमेंट आर्म बन जाता है, ये हमारा मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म ये फोर्स है, तो ये हमारे पास समझ लें मीटर में आएगा, ये आपका न्यूटन में आएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो गया आपका टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू या मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही। अब देखिए आपको फोर्स आ गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, यानी टाउ मतलब ये एफ और ये एल आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू एल, ये आपका टॉर्क आ गया। अब चलते हैं सम की तरफ, बहुत ही सिंपल है, आपको एक टाइट करना है नट को, तो वो आप क्या करेंगे ये एक फोर्स है आपकी, तो फोर्स आपको दिए 20, लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, टॉ एफ एन ट्वेल्व तो मल्टीप्लाई कर लिया 13 मीटर आंसर आ गया। अच्छा अब आपका यहाँ क्या आ गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ए बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा अब ये देखें कि हमारे पास दो तरह के होते हैं मोमेंट, एक होता है हमारे पास क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉकवाइज कैसा है, जैसे आपकी घड़ी चलती है वॉच चलती है ये क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन में ये हमारा क्लॉकवाइज है ठीक है, और एंटी क्या होगा ये इसका एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएँ। अच्छा अब आपका देखें कि इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम आपका नेक्स्ट में उसमें आएगा लेकिन यहाँ बताते हैं आपको इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है सम ऑफ फोर्सेज इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, मतलब कि देखें जितनी फोर्सेज आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं इनका सम जीरो होना चाहिए वरना ये चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होगी मूव करेगी, जब रेस्ट पे है इसका मतलब तमाम फोर्सेज का सम इस एक्स डायरेक्शन में जीरो है ठीक है, मतलब कुछ प्लस में होंगे कुछ माइनस में होंगे जीरो हो गई, इस तरह ये जो है आपका वाई डायरेक्शन में सब फोर्सेज का सम भी हमारे पास जीरो होना चाहिए वरना ये चीज़ ऊपर नीचे मूव करती, अगर एक्स एक्सिस में नहीं होता इधर उधर मूव करती। अच्छा इसी तरह से जी डायरेक्शन में भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर वो इक्वल नहीं होगा तो एक चीज़ ऊपर नीचे जाएगी ठीक है, तो ऊपर नीचे जा रही है तो इसको जेड डायरेक्शन, तो तमाम डायरेक्शंस में हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए, तो जब वो चीज़ इक्विलिब्रियम होती है। तो इसी तरह मोमेंट भी होता है कि आपके जितने क्लॉकवाइज मोमेंट है, अब जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है तो आपका ये सन मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है तो इस तरह से बॉडी मूव करेगी, लेकिन जब बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों इक्वल होने चाहिए ठीक है। तो इससे हम मतलब इक्वेशन बना लेते हैं, अब जैसे हमारे पास ये एक सम दे दिया कि आपको ये आपको सब चीज़ें यहाँ गिवन आ गई, डब्लू वन आपको दिया हुआ है ये हमें फाइंड करना है, डब्लू टू आपको दिया हुआ है ये 10 न्यूटन। अच्छा अब देखें अब हम मोमेंट कहाँ लेंगे, अब देखें मोमेंट हम लेते हैं पीवीओट पे, जहाँ पे यहाँ आपको क्या है ये हमारा पीवीओट है, यहाँ से ही बैलेंस हो रहा है ठीक है, इसको हम पीवीओट कहते हैं, तो यहीं पे हम मोमेंट लेंगे, तो हम क्या कहेंगे टैंकिंग मोमेंट अबाउट ओ ठीक है, तो टैंकिंग मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा कि अब देखें यहाँ से लें ये कैसे जा रहा है, ये आपका जा रहा है क्लॉकवाइज ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा डब्लू वन, और ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट आपका ये आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर लिया तो 0.25 हो गया, तो आपका और ये जो है आपका
ये आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ये आपका 0.4 मीटर हो गया, मीटर, ठीक है। अच्छा, आप मोमेंटम यहाँ लेंगे, हमें लिखना चाहिए यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, जो हमारा पीवियड है, जिससे वो चीज़ बैलेंस हो रही है उसको पीवियड कहते हैं, ठीक है। तो हमें मोमेंट हम ओ पे लेंगे, तो अब देखें अब ये कैसे जा रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया क्लॉकवाइज के आपका ये डब्लू टू है, तो डब्लू टू कितना है हमारे पास 10 न्यूटन, ये आपका डब्लू एक क्लॉकवाइज है, कहीं कौन सा है ये क्लॉकवाइज, तो डब्लू वन, हाँ ठीक है, डब्लू वन इंटू 0.25, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या आपका, ये आपका ये जो जा रहा है यहाँ से, ये अब ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज था, ये इस तरह जा रहा था, ये आपका इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो डब्लू वन ने छोटा छोटा लिखा है, समझ में नहीं आता, ठीक है, चश्मा लगा लेता जी। अच्छा, तो ये आपका देखें, ये जो डब्लू टू ये आपका क्लॉकवाइज है, तो ठीक है, डब्लू टू इंटू ये आपका 0.25 आ गया, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डब्लू वन है इंटू 0.4 आ गया। इसको हम मतलब कि कैलकुलेट कर लें, तो ये तो ऐसे रह गए, यहाँ आपने डिवाइड किया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपका 16 न्यूटन आ गया। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, देखें जो भी कोई बॉडी होती है तो उसका वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। अब जैसे यहाँ जो आपकी रेगुलर शेप्स हैं, तो उनके ये सेंटर में आ जाएगा, इस तरह सर्किल है, इसके सबके जो सेंटर में आ जाएगा, यहाँ भी आपका सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ये भी आपका सिलेंडर है, तो ये भी आपका इसके सबके सेंटर में आएगा, इस तरह में आ जाएगा। अच्छा, अभी आपकी ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल में क्या होता है, अब ये देखें अगर इस तरह से हम कर दें तो आपका ये क्या होगा, अच्छा अब ये देखें आपका क्या होगा, अब यहाँ वेट ज़्यादा है, तो ये वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 1/3 होगा, और ये आपका ये कम है तो ये 2/3 होगा, ठीक है। अच्छा, कपल आपको बता दिया, अच्छा कंडीशन इक्विलिब्रियम, अब आपको जैसे पहले मैंने बताया था कि अब ये देखें ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर जाएगा तो एक मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, तो सम ऑफ फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम ये आपको बता दी कि तमाम का सम मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अब ये आ गया आपका, अब एक आपका ब्लॉक 10 न्यूटन का है, तो अच्छा देखें जब ये इसका वेट नीचे आ रहा है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आएगी, और दोनों जहरबात इक्वल होंगे क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सम ऑफ फोर्सेस हमारे पास 0 है, तो हमारे पास एक हमने एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं है इसलिए 0 हो गई, जेड डायरेक्शन का भी यहाँ जिक्र ही नहीं वो भी 0 है, तो वाई डायरेक्शन में आपका क्या है, ये हमने पॉजिटिव ले लिया तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा, और ये आपका तो ये डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ले लिए तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास 10 न्यूटन आ गया। अच्छा, सेकेंड कंडीशन ऑफ क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सम ऑफ मोमेंट जो है वो मतलब कि 0 होना चाहिए, वो आपके सेकेंड हुआ है, ये चीज़ तो आपके सजेशन नहीं है फिलहाल, अब ऐसा है कि हम लोग इसको जो है प्रॉब्लम्स उसको दूसरी वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये कट हो जाती है 30 मिनट के बाद लादो बन नहीं पाती, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, दिखाना पड़ेगा मुझे मोबाइल में। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।